प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने के लिए आज इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी जकार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर 10 राष्ट्रों के समूह के बीच चर्चा करेंगे। इस मंच पर भारत के साथ आसियान के व्यापार समझौते को 2025 तक पूरा करने पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा चीन की ओर से जारी मनमाने नक्शे को लेकर भी इस मंच पर चर्चा हो सकती है। दिन भर की बैठक के बाद पीएम मोदी 7 सितंबर को ही शाम 6:45 बजे तक वापस भारत पहुंच जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बाइडेन की भारत यात्रा का ब्यौरा जारी करते हुए कहा है कि 7 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होनी है। 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन G20 के सम्मेलन में शामिल होंगे और 10 सितंबर को वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के सेहत की लगातार निगरानी की जा रही है और भारत दौरे पर भी वो CDC के एहतियाती नियमों का पालन करेंगे। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत को अगले 10 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है। अपने भारतीय और सनातन मूल पर गर्व करते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि 16 लाख भारतीय ही आज दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के सूत्रधार हैं। ऋषि सुनक ने 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार दोगुना करने के लक्ष्य के साथ सफल बातचीत की उम्मीद भी जताई है। भारत की विविधता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि बिल्कुल सही समय पर सही देश को G20 का नेतृत्व मिला। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में G20 सम्मेलन के आयोजन की आखिरी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों और डेलीगेट्स के साथ तैनात होने वाले मंत्रियों को संबंधित देश के रहन सहन खान पान की जानकारी पहले से लेने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने मंत्रियों को VIP कल्चर से बचने और सही समय पर सही जगह उपस्थित होने की नसीहत दी है। 9 सितंबर को G20 के मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। संसद के विशेष सत्र के आयोजन को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बिना राय मशविरा किए ही सत्र बुलाने की शिकायत की है। विपक्ष ने विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अदानी, मणिपुर, चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि संसदीय परंपरा के मुताबिक ही सत्र का आह्वान किया गया है। पहले से विपक्ष को एजेंडे की जानकारी देने की परंपरा नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उन पर मानसून सत्र में चर्चा हो चुकी है। सनातन धर्म को बीमारी बताने और उसके उन्मूलन वाले बयान के विवाद में पीएम मोदी का आज पहला बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि के बयानों का समुचित जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत और इंडिया नाम विवाद में भी नेताओं मंत्रियों को बेवजह अनाधिकृत बयान देने से बचने की सलाह दी है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी की आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री समेत कमेटी के सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक देश एक चुनाव के सवाल पर कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानूनों के तहत चुनाव आयोग 5 साल के कार्यकाल से 6 महीने पहले चुनाव करा सकता है। मोदी सरकार ने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3,060 करोड़ रुपए के बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2030 तक देश में 4,000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित करने का लक्ष्य है।